अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको फ़ैन मोटर ड्रैग चलाने का तरीका बताऊंगा। इस प्रैक्टिकल में जो मटेरियल इस्तेमाल होगा उसमें फ़ैन मोटर 3 स्पीड वाली, सिलेक्टर स्विच, फ़ैन कैपेसिटर और कुछ तारें इस्तेमाल होंगी। और जो टूल इस्तेमाल होंगे जिससे हम तारों को लगाएंगे वो है कम्यूनिकेशन प्लेयर और नॉज प्लेयर। चलो मैं आपको मोटर के साथ सिलेक्टर स्विच और कैपेसिटर किस तरह लगाते हैं ये बताता हूँ। पहले मैं स्पीड की तारें सिलेक्टर स्विच पर लगाकर आपको दिखाता हूँ। ए वाली तार को सिलेक्टर स्विच के निचले वाले पॉइंट एल पर लगाया, बी वाली तार को सिलेक्टर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट एच पर लगाया, सी वाली तार को सिलेक्टर स्विच के दरमियान वाले पॉइंट एम पर लगाया। अब रनिंग स्टार्टिंग की तारें कैपेसिटर पर लगाते हैं। डी वाली तार को कैपेसिटर के रेड पॉइंट पर लगाया, एस वाली तार को कैपेसिटर के ब्लैक पॉइंट पर लगाया। रेड वाले पॉइंट से एक तार सप्लाई के लिए बाहर निकाल ली और दूसरी तार सिलेक्टर स्विच के इस पॉइंट से बाहर निकाल ली। इसके बाद मैंने एक रेल ली, उसको ऑन किया। ऑन करने के बाद मैंने फैन मोटर की मेन सप्लाई वाली तारें लीड पर लगाई। अब मैं आपको सिलेक्टर स्विच की मदद से मोटर चलाकर दिखा। साबित हो गया है जो कनेक्शन की हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं।